दोस्तों भारत श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरह दर्शकों में भी देखने को मिला इस रोमांचक मैच का महासंग्राम। जी हां दोस्तों, एशिया कप के रोमांचक मैच में भारत और श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ दर्शकों में भी काफी ज्यादा घमासान संगम देखने को मिला है। भारत और श्रीलंका के बीच मैच में दर्शकों के बीच में मारपीट देखने को मिली है, जिसका वीडियो इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आखिरकार क्या है यह पूरा मामला, यह तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मैच तो भारतीय टीम जीत गई है। इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जिस प्रकार से दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला, उसी तरीके से दर्शकों में भी घमासान संगम देखने को मिला है। आपको बता दें एशिया कप के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में दर्शकों के बीच में मारपीट का मामला बार बार सामने आ रहा था और दोनों देश के समर्थकों के बीच में मारपीट एक आम बात हो गई थी। लेकिन अब भारत और श्रीलंका के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मैच देखने को मिला, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए और ऑल आउट हो गए। इस दौरान रोहित शर्मा ने 53 रन का योगदान दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो श्रीलंका की टीम खराब शुरुआत देखने को मिली और श्रीलंका की टीम 42 ओवर के अंदर 172 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते भारत 41 रन से इस मैच को जीत गया। इस मैच में भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। ऐसे में भारतीय टीम ने जीत के साथ फाइनल में एंट्री कर ली। लेकिन इसी बीच मैच के दौरान जब भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई तो भारत और श्रीलंका के समर्थकों के बीच में संग्राम छिड़ गया। स्टेडियम में मौजूद स्टैंड में श्रीलंका के समर्थकों ने भारतीय टीम के समर्थकों के साथ काफी मारपीट की। इतना ही नहीं, भारतीय समर्थक ने पलटवार करते हुए श्रीलंका के समर्थन का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन इस दौरान स्टैंड में मौजूद बाकी लोगों के बीच बचाव किया, जहां पर पुलिसकर्मी भी पहुंचे और मामले को रफा दफा कर दिया। ऐसे में इस मारपीट का वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और श्रीलंका के मैच में भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।